देखो यार वहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे धूप हो गया है, और ये देखो वो धूप में ही काम कर रहे हैं और हवाई बहुत तेज का चल रहा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो फाइनली गाइज, आज हम जाने वाले अपने खेत में काम करने के लिए, जो कि खेत को चारों तरफ से हम आज बांस से घेरेंगे, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना वो फसल को बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए हम खेत को चारों तरफ से घेरने के लिए जाएंगे। फाइनली यहाँ पे हम लोग का बांस है और यहाँ पे हम लोग की साइकिल, क्योंकि हम बांस को साइकिल पे ही लाद के लेके जाएंगे, ये तो सिर पे लाद के लेके जा नहीं सकते ना। तो फाइनली हम लोगों ने साइकिल पे बांस और रख लिया, तो फिलहाल हम आज साइकिल पैदल लेके जाएंगे, क्योंकि बांस है तो गिरने का डर रहेगा। और एंड यहाँ पे हम लोग झोरे में रस्सी भी ले लें, क्योंकि बांधना है सारे बांस को, तो फिलहाल हम जल्दी निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग ने अपना ये जो था बांस मैंने लेते आया है, और फिलहाल अभी हम चारों तरफ से गड्ढे करेंगे बांस को काटने के लिए। हालांकि यहाँ पे गड्ढा हो गया है, एक वहाँ पे भी और एक वहाँ पे गड्ढा करके वो भी बांस गाड़े हैं, और तो फिलहाल अभी चारों तरफ से 10 गड्ढे आराम से हो ही जाएंगे। देखो यार वहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे धूप हो गया है, और ये देखो वो धूप में ही काम कर रहे हैं और हवाई बहुत तेज का चल रहा है, और वहाँ देखो मेरी साइकिल धूप में ही जल रही है। और फिलहाल मैं अभी यहाँ छाँव में खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा अभी कोई काम है नहीं, तो काम पड़ेगा तो फिलहाल चलेंगे, और साइकिल को भी यहीं पे लेके आ जाते हैं छाँव में, बेचारा धूप में क्यों चलेगा। पहले मैंने अपने साइकिल को ये पेड़ के नीचे खड़ी कर दी है छाँव में, क्योंकि इसे भी धूप लग रहा था, अब नहीं लगेगा इसको भी। तो फिलहाल उन्होंने ये दो और ये दो दो बांस इन्होंने हला लिए धूप में जल जल के, और फिलहाल अभी मेरे हिसाब से इनको चार पांच अभी बांस अभी और धूप में जल के हलाना है। पहले इन्होंने यहाँ वहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्होंने 8 बांस को हला लिए हैं, और फिलहाल यहाँ पे कुछ बातें रखे हैं, कुछ वहाँ पे हैं, तो इस बातें से हम इसे घेर देंगे, और अगर बात फिर कम पड़ेगा तो यहाँ पे रस्सी है, तो फिर रस्सी से घेर देंगे। पहले देखो गाइस, ये जो जितना भी ये रस्सी है यहाँ यहाँ सारा उलझ फुलझ गया है, तो फिलहाल हम उसे पेड़ के पास लेके चलते हैं, वहीं पे चल के ये सारे रस्सी को उलझा फुलझा ठीक करेंगे। तो फिलहाल मैंने छाँव में रस्सी लेते आया हूँ, और एंड यहाँ मैं छाँव में ही बैठ के जितनी भी उलझी फुलझी रस्सी है यहीं पर बैठ के ठीक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मस्त हवा चल रहा है। फिलहाल मैं यहाँ छाँव में हवा में बैठ करके यहाँ मैं उलझी फुलझी रस्सियाँ ठीक करता हूँ, और वो वहाँ पे धूप में जल जल के जितने भी बातें हैं लगा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने रस्सी का 3-3 गोला यहाँ पे बांध के निकाल लिया हूँ, तो फिलहाल अभी हम चलते हैं घर पे खाना खा के आते हैं, तो उसके बाद से यहाँ कुछ आके काम करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ, और फिलहाल मैं पैर हाथ धो के और खाना वगैरह खाता हूँ, फिर उसके बाद से चलेंगे हम लोग खेत में, और शायद मैं खेत में जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा अब इच्छा कर नहीं रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, मैं उस समय नहा के और खाना खा के सोने गया था, बिस्तर में 5 मिनट के लिए गया था रेस्ट करने के लिए, तो फिलहाल अभी इतना जोर का हवा बहने लगा ना, उस टाइम पे तो खेत में था तो कम हवा बह रहा था, उस टाइम पे और इतना हवा, वो ये तो गांव है, यहाँ पे लाइन आने का मेरे को लगा आज लाइन आएगा नहीं, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं होगा, और मैं लगता है एडिटिंग आज कर ही नहीं पाऊँगा, और कल सुबह मैं ब्लॉग डाल भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं डालता ज़रूर, मार्केट ले जाकर मोबाइल चार्ज करता लेकिन डालता ज़रूर। और देखो अभी हवा जो है बिल्कुल थम गया है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, और लास्ट में 5 मिनट एकदम ना बराबर के लिए थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बस ज़मीन गीली हो गई है, मतलब धूल अब नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश वो उससे कुछ होने वाला है नहीं जब तक खूब जोर का बारिश नहीं बरसेगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं खेत में और देख के आते हैं कि उन्होंने कैसे बांस वगैरह लगाए ठीक से कि नहीं लगाया, तो हम चल के फिलहाल अभी खेत में देख ही लेते हैं। पहुँच चुका हूँ, एंड यहाँ पे हवा भी चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा था यहाँ, लेकिन हवा चल रहा है, और इन्होंने देखो ये पूरी खेत को घेर दिया, तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से इसमें आधा केजी अभी और रस्सी लगेगा इसको बांधने के लिए, तो हम कल मार्केट आज ही मार्केट जाएंगे शाम को, तो लेते आएंगे और कल सुबह आके इसे घेर देंगे हम। मैं यहीं पर था तो हमारे एक दोस्त भी आ गया, और एक वहाँ पर भी वो शर्म कर रहा है, ब्लॉग में आ नहीं रहा है, तो फिलहाल ये लोग शर्म करता है, 2 दिन से बोल रहा था लोग मेरे को अपने ब्लॉग में ना, यही है इसका नाम चंचल, उसका नाम ये जो चंचल है वो कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग का ओपिनियन हो तो शर्म करें तो आप कुछ कहेंगे। हेलो गाइस, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है, इसका चैनल का नाम है पांडे थ्रोस, इसको फुल सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। हेलो गाइस, इतना ही बार इन्हें बोलना था। निकलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि अब आपको तो स्कूल भी दिखाना था मेरा वाला, मैं अब भी चल के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम हो जाए, आपको मैं दिखा ही रहूंगा।
forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Oh, yeah, I'll be. तो फिलहाल मुझे जो गाछी वाले रास्ते से आया हूँ और यहाँ पे जो खरंजा रोड है, मैं जब स्कूल जाता था तो यही गाछी और यही खरंजा से ही जाता था। गाछी तो सही, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो खरंजा रोड है ये आज तक नहीं बना। और ये कम से कम, ये रोड मैं जब 5 साल का था ना तो स्कूल जाता था, अभी मैं 16 साल का हूँ और अभी तक ये रोड वैसे का वैसे ही अभी तक बना नहीं है। तो आगे थोड़ा सा बन गया लेकिन यहाँ पर बना नहीं है। वाह, पहले मैं अपने सेकेंड वाले स्कूल पर पहुँच गया हूँ, तो फिलहाल मैं उसे आपको दिखाई देता हूँ। तो यही है मेरा सेकंड वाला स्कूल, और इस स्कूल में मैंने 3 क्लास तक पढ़ाई की है और 4th से मैंने वो जो आचार्य द्रोण था मैं उसमें पढ़ाई की हूँ। तो स्कूल का नेम ऊपर आप देख सकते हो, SBM पब्लिक स्कूल। इसका फुल फॉर्म होगा शारदा विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, और ये है इंग्लिश मीडियम, आपको छोटा सा दिख रहा होगा SBM पब्लिक स्कूल के नीचे ब्लू कलर का लिखा हुआ, और एंड ये 8 तक है। तो फिलहाल तो अभी मैं पढ़ता हूँ हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड से अभी मैं तैयारी करूँ और अभी मैं 10 में हूँ। मैं अभी घर पे पहुँचने ही वाला हूँ, एंड जो 4th वाला नंबर वाला स्कूल बच चुका है जिसमें अभी तत्काल में पढ़ाई कर रहा हूँ, वो वाला स्कूल आपको मैं मार्केट में है। तो अभी मैं घर का कुछ सामान लाना है मार्केट से, तो मैं जाऊँगा तो मैं आपको मार्केट वाला भी स्कूल दिखाई दूँगा। तो फिलहाल अभी जल्दी चलते हैं। फाइनली गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, एंड में बता देता हूँ, जब मैं पूछा कि मम्मी कब मार्केट से कुछ लाना है तो मम्मी बोले कि नहीं सब्जी लाना था, मैं लेके आ गई हूँ। मैंने सोचा सब्जी लाना होगा तो चलेंगे उधर से मार्केट, तो फिलहाल मैं जा नहीं पाया। तो कल सुबह मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह मैं जाऊँगा ना, तो पहला काम मेरा होगा आपको मेरा अपना स्कूल दिखाना। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मेरा पहला सीन होगा मेरे को पहला अपना स्कूल दिखाना, उसके बाद ही मैं कुछ आपको अगले वाला चीज़ दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।